नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित। क्रिकेट जगत में आए दिन कोई ना कोई रिकॉर्ड बनता ही रहता है, कोई ना कोई रिकॉर्ड टूटता है, लेकिन हाल ही में एक महिला खिलाड़ी ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसे जानकर सभी न सिर्फ हैरान होंगे बल्कि क्रिकेट प्रेमियों को यकीन कर पाना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मुकाबले में महिला गेंदबाज ने 4 विकेट हासिल किए, वो भी बिना कोई गेंद फेंके। हुआ यूं कि T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर के एक मुकाबले में कैमरून की महिला गेंदबाज मेवा डाउमा अपने डेब्यू मैच में ही 4 खिलाड़ियों को माकंड तरीके से आउट कर दिया। आपको बता दें कि माकंडिंग में नॉन स्ट्राइकर एंड का बल्लेबाज गेंदबाज के गेंद फेंकने से पहले क्रीज से बाहर निकल जाता है और गेंदबाज गेंद फेंकने के बजाय उसे रन आउट कर देता है। 4 खिलाड़ियों को माकंडिंग से आउट करने के बाद भी मेवा डाउमा अपनी टीम को हार से नहीं बचा सकी। उनकी टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा। मैच की बात करें तो युगांडा ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 190 रन का स्कोर बनाया। युगांडा के 6 में से 4 बल्लेबाज माकंडिंग का शिकार हुए। 16 साल की डाउमा का यह पहला इंटरनेशनल मैच था और उन्होंने अपने पहले ही मैच में केविन एवियनो, रिचा मुसामली, इसके अलावा उन्होंने 1 विकेट और अपने नाम किया। उन्होंने युगांडा के ओपनर बल्लेबाज को बोल्ड किया। इस लिहाज से देखा जाए तो डाउमा ने 32 रन देकर महज 1 विकेट हासिल किया। वहीं जब 191 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी कैमरून की महिला टीम पूरी तरीके से फेल नजर आई और महज 35 रनों पर ऑल आउट हो गई। टीम के 10 खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। 7 खिलाड़ी 0 के स्कोर पर आउट हुए। मदालिना सिसाको ने सबसे ज्यादा 17 रनों का योगदान दिया जबकि मेवा डाउमा बस 1 रन ही बना सकी। युगांडा की ओर से कॉनी अवेको ने 4 ओवर में 4 रन देकर 3 विकेट लिए। कैमरन की महिला टीम का यह पहला T20 इंटरनेशनल मुकाबला था। आपको बता दें कि क्रिकेट में माकंडिंग से किसी बल्लेबाज को आउट करना नियम के मुताबिक सही है, लेकिन इसे जेंटलमैन गेम क्रिकेट के तौर पर अच्छा नहीं माना जाता है। वैसे हमने IPL में भी देखा है कि रविचंद्रन अश्विन अक्सर ऐसा करते हुए नजर आ जाते हैं। इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि माही सब कुछ टीम हित को देखते हुए संभाल लेंगे। वहीं आपका क्या कहना है इस मामले पर कमेंट करके जरूर बताएं।